आज हम एसीसी गागल प्लांट जो लफार्ज होलसेल के अंडर आता है उसके एरिया में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आज यहां पर ये जो क्लिंकर का सेलो है तकरीबन 12:30 बजे ये 12:45 बजे ब्लास्ट हो गया और सारी के सारी डस्ट जो यहां पर गिरी हुई है, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, सारी के सारी डस्ट गिरी हुई है। अगर यहां पे कोई भी आदमी चला होता तो उसके साथ क्या होता। ये एसीसी की सुरक्षा व्यवस्था जो लफार्ज होलसेल का दिशा निर्देश है ये दर्शाती है कि एसीसी प्रबंधन यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर हमारे वॉचमैन खड़े हैं। आपका नाम सर? संदीप कुमार। सर आप ड्यूटी पे थे उस टाइम? अच्छा, क्या हुआ एक्चुअल में? सर जो ऊपर है थोड़ी सी डस्ट आई, थोड़ा सा डस्ट आया कैमरा पर, और हमने उसकी रिपोर्ट दे दी जहाँ तक हमारा लेवल बनता है। अच्छा सर, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है थोड़ी सी डस्ट नहीं आई हुई है। आप चारों ओर देख सकते हैं कितनी डस्ट है। जब शेल्टर वहाँ पे उड़ा हुआ है और मेरे पास व्हाट्सएप वीडियो है जो मेरे गांव वासियों ने मेरे को दी है, तो आप इस चीज को क्यों छुपा रहे हैं? मैं छुपा थोड़ी ना हूँ। जब स्टार्टिंग में 1:15 बजे के करीब थोड़ा सा डस्ट आया तो उसकी हमने रिपोर्ट कर दी। चलो, आपने आपसे हमें कोई वो नहीं है। हम मानते हैं आपने अपनी ड्यूटी की, पर आपको क्या लगता है, आपको ये तो पता है फैक्ट्री की प्रायोरिटी प्राथमिकता आज की डेट में क्या है? लोगों के प्रति सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा। ये फैक्ट्री किस यूनिट के अंडर है आपको पता है? लफार्ज होलसेल इस कंपनी का मालिक है जो स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करता है, तो उसकी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले सुरक्षा और स्वास्थ्य है। तो आपने सुरक्षा भी एसीसी प्रबंधन की देख ली, देख रहे हैं ना आप? जी, वो तो है। और आप स्वास्थ्य भी देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा धूल अगर यहाँ से उड़ रही है तो स्वास्थ्य क्या मायने में रखता है? और आप बता सकते हैं कि यहाँ से दिन में कितनी गाड़ियाँ कितने मिनट के बाद गुजरती है? आपको तो पता होगा। जी सर, 1 मिनट में तो 5-10 गाड़ियाँ निकल जाती है, 5 गाड़ियाँ। हाँ, तो अगर इनके ये चीज वहाँ पे गिरी है, वहाँ पे गाड़ी होती, बंदा होता और यहाँ पे होता तो क्या होता? बिल्कुल सर, उसको सांस लेना प्रॉब्लम हो रही, मर भी सकते थे। हमारे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ मेजर इंजरी भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। और अंदर अभी ये एम्बुलेंस गई, इसके बारे में आपके संज्ञान में है कुछ की क्यों गई, कैजुअल्टी हुई होगी? पता नहीं सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अंदर जो देख रहे हैं अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट गया हुआ है, उसको देख रहे हैं। ये थोड़ा बाहर कह रही है जो अंदर बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम आई है। हाँ, वो अंदर है। ठीक, पर आप एक बात बताइए कि यहाँ पर भी एक इतना बड़ा सीमेंट गिरा हुआ है, इतना बड़ा हादसा होने से टला भी और हुआ भी है, वहां पे भी शेल्टर पड़ा है, यहाँ पे भी शेल्टर पड़ा हुआ है, पर एसीसी प्रबंधन की ओर से एक भी ऑफिसर अब तक क्यों नहीं आया? आए हुए कौन? अभी आए थे हमारे सीडीएस के। अच्छा, आए थे। आए। चलो ठीक है, ठीक है। और हो सकता है अंदर अंग्रेज हो गए? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, अगर आए हुए हैं। बाकी आपका धन्यवाद। ऐसे तो कंपनी बोलती है भाई इससे क्लीन प्लांट कोई नहीं है, मगर डस्ट से देखो क्या हालत है हमारे बरमाने की। सत्यानाश कर दिया पूरे सभी जगह का। ये देखो डस्ट भाई, बुरा हाल है, इतनी डस्ट खा रहे हैं यहाँ के लोग।
एसीसी फैक्ट्री है गांव बरमाना में, देखो किस तरह से प्रदूषण फैला रही है। अच्छा ये आप देख सकते हैं, ये जो कम से कम 20 फुट का इतना हार्ड एंगल नीचे पड़ा हुआ है, ये भी ये जो यहाँ पे आज कंपनी के कलिंकर सेलों में इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ, और आप सीमेंट भी देख सकते हैं बाहर, और एक तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पे हुआ है, तब भी ये सारा चारों तरफ फैल गया है। ये सीसी प्रबंधन की सेफ्टी, सुरक्षा और स्वास्थ्य को दर्शाती है। अगर अगर ये एंगल यहाँ से, जैसे वॉचमैन ने भी बताया कि हर एक मिनट में 5 गाड़ियाँ गुजरती है, अगर ये एंगल किसी ड्राइवर के सिर पे गिर गया होता तो उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। और साथ में आप देख भी रहे हैं कि एक ट्रक खड़ा हुआ है और भाग्य से बेचारा चाय वगैरह पीने के लिए गया होगा, तब बच गया होगा, और जो टीम के पत्ते हैं ये भी इससे गिर गए हैं। और ये प्रदूषण की व्यवस्था आज से ही है, आप पहले भी देख सकते हैं ओपनिंग साइड, यहाँ पे इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि हमारे पत्ते देखें बरमाना वासियों के,